वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम सेवन्थ क्लास साइंस चैप्टर सिक्स देखते हैं। ठीक है, चैप्टर सिक्स में क्या दिया गया है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्लासीफाई द चेंज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस अस फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पे टू प्रोसेस दिए गए, फिजिकल और केमिकल के प्रोसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें क्लासीफाई करना है। फर्स्ट दिया गया है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। डिजोल्विंग सुगर इन वाटर, पानी में चीनी मिलाने से क्या होता है? बर्निंग ऑफ कोयल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोयले का जलना। नेक्स्ट, मेटिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना। बैटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम को पिटने से क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन। देखते फर्स्ट में दिया गया है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मीन्स क्या होता है कि जब सब्सटेंस, कोई न्यू सब्सटेंस बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में आ जाएगा फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट टाइम क्या है कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कारण जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के कारण। तो वहां पे न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोयल, कोयले का जलना भी एक न्यू सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोयल भी केमिकल चेंजेस में आएगा। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होना भी एक केमिकल चेंजेस होता है। फूड का बनना, फूड का डाइजेशन भी केमिकल चेंजेस होता है। नेक्स्ट, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि फिजिकल चेंजेस में मीन्स होता है कि फिजिकल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में आ जाएगा डिजोल्विंग सुगर इन वाटर, मीन्स होता है कि जब शक्कर में पानी मिलाएंगे तो कोई भी सब्सटेंस नहीं बनेगा। शक्कर में पानी मिलाएंगे तो कोई भी सब नहीं मिलेगा, कोई भी सब्सटेंस न्यू नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेटिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती के पिघलने पर भी कोई सब्सटेंस नहीं बनता है, यह भी फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट, बेटिंग एल्यूमिनियम टू मैक एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम के पिटने पर भी कोई सब्सटेंस नहीं बनता है, इसलिए बेटिंग एल्यूमिनियम भी फिजिकल चेंजेस के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन द केस द स्टेटमेंट्स इज फर्स्ट राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स योर नोटबुक। ठीक है, तुम्हारी नोटबुक में जो दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उन्हें ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो करेक्ट है वहां पर ट्रू आ जाएगा और जो रॉन्ग है वहां पर फॉल्स आ जाएगा। देखते हैं इसके स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल। क्या लकड़ी को कट करने पर जो होता है वो क्या केमिकल चेंजेस है? नहीं, लकड़ी के कट करने पर वो केमिकल चेंजेस नहीं होता है, वो फिजिकल चेंजेस होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव इज अ फिजिकल चेंज। क्या बोल रहा है? पत्ती से मैन्योर का फॉर्मेशन, मैन्योर बनता है क्या? पत्ती से मैन्योर बनता है क्या? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉल्स। इसे फिजिकल चेंजेस बोलते हैं? नहीं, फॉर्मेशन इज मेड फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज। क्योंकि पत्ती से जब मैन्योर बन रहा था एक सब्सटेंस बन रहा है, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तो किसमें आ जाएगा? केमिकल चेंज में, न कि फिजिकल चेंज में। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, आयरन पाइप्स पुक्ड विथ जिंक टू डू नॉट गेट रस्टेड इजिली। क्या बोल रहा है कि आयरन को जिंक से, जिंक के परत से बचाने के लिए रस्टेड इजिली होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रू, राइट है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। आयरन और रस्ट क्या एक जैसे सब्सटेंस है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्योंकि आयरन और रस्ट अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंस है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ स्टेम्स इज नॉट अ केमिकल चेंज। क्या बोल रहा है कि स्टेम का कंडेंसेशन केमिकल चेंज नहीं है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा
ट्रू। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या है यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है जो स्टेटमेंट्स दिए गए उनमें। ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इज टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल्क के थ्रू पास होता है और जो कन्वर्ट होता है उसमें तो क्या मिल्की जैसा बनता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा किसके कारण बनता है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिल्की द्वारा ले जाया जाता है तो मिल्क कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के द्वारा ले जाता है तो मिल्की जैसा हो जाता है, मिल्की मिक्स होता है, दूध जैसा बन जाता है। तो किसके कारण होता है, करेक्ट आंसर आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का अदर नेम है। ठीक है, नेक्स्ट द मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट आर डेस डेस एंड डेस। क्या बोल रहा है कि आयरन की जो मेथड है वो कौन सी, दो टू मेथड्स और है। फर्स्ट में इधर आ जाएगा पेंटिंग एंड गैल्विनेशन। ठीक है, पेंटिंग एंड गैल्विनेशन टू मेथड्स ऑफ आयरन। नेक्स्ट चेंज इन विच ओनली डैश 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 प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। क्या बोल रहा है, इसके लिए आपको फिजिकल चेंज की डेफिनेशन याद होना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है कि जो सब्सटेंस होता है वो फिजिकल में न्यू सब्सटेंस चेंज होता है या नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फिजिकल। इसको कैसे पढ़ेंगे, फिजिकल इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज से फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इज अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, और इसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो फिजिकल चेंज ही रहती है। नेक्स्ट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस, क्या बोल रहा है कि जब कोई सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में चेंज होता है और फॉर्म्ड आर कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जब कोई सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मीन्स क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध का दही में बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, वैसे ही एक न्यू सब्सटेंस बोल रहा बनता है तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इन्वर्शन ऑफ ए गैस व्हाट टाइप्स ऑफ चेंज इज इट एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ हमें समझाना है कि जब बेकिंग सोडा को मिक्स किया जाता है विद लेमन जूस में तो क्या बनता है, बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवेल्सन गैस, एक गैस बनती है। ठीक है, उस गैस को बनने को कौन सा चेंज बोलते हैं, इसके बारे में हमें समझाना है। ठीक है, आंसर दिया गया है व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस। क्या बोल रहा है कि जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है तो बबल्स बनते आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इन्वेल्सन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर गैस बनती है। दिस इज अ केमिकल चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं तो उसे कौन सा चेंज बोलते हैं, दिस इज अ केमिकल चेंज, यह एक केमिकल चेंज है। हमने आपको पहले ही से बता दिया है कि जब कोई न्यू सब्सटेंस बनता है तो उसे बोलते हैं केमिकल चेंजेस, और केमिकल चेंजेस के अंदर ही न्यू सब्सटेंस बनता है, न कि फिजिकल चेंजेस के अंदर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा दिस इज अ केमिकल, यह केमिकल चेंजेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वुड यू शो That shutting off curd is a chemical change। क्या बोल रहा है, आपको कैसा पता है कि दही का जमना एक केमिकल चेंजेस है, दही का जमना एक केमिकल चेंजेस है। ठीक, इसके देखते हैं, once the curd is formed, क्या बोल रहा है कि एक बार जब दही बन जाता है it cannot be converted back in the milk, वो डबल से
दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्या बोल रहा है कि एक बार जब दही बन जाता है तो वह दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। मिल्क एंड कर्ड हैव डिफरेंट, दोनों दही और दूध दोनों अलग अलग सब्सटेंस है, डिफरेंट सब्सटेंस है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज सो सेटिंग ऑफ कर्ड इज द केमिकल चेंज, और इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, कि दही का बनना एक केमिकल चेंजेस होता है, ठीक है, दही का बनना एक केमिकल चेंजेस है। नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, हमें समझाना है कि लकड़ी का जलना एंड और कटिंग ऑफ इंटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स टू चेंज, टू डिफरेंट टाइप के चेंज है, उन्हें हमें बताना है, ठीक है, इसको समझाना है। एंसर, व्हेन वी बर्न वुड न्यू सब्सटेंस अस एंड स्मोक आर प्रोड्यूस, देयर फॉर इट इज केमिकल चेंज। क्या बोल रहा है कि लकड़ी का जलना एक न्यू सब्सटेंस देता है और उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में एक सब्सटेंस अदर सब्सटेंस बनता है, उसे बोलते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है। व्हेन वी कट वुड ओनली द शेप, इसमें फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि शेप एंड साइज ऑफ द वुड, मतलब लकड़ी की शेप और साइज ही दे सकता है और अदर सब्सटेंस नहीं बनता है, आर चेंज नो, ठीक है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अदर सब्सटेंस नहीं बनता है, देयरफॉर इट इज अ फिजिकल चेंजेस, वो इसे बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस मीन्स होता है भौतिक परिवर्तन, और भौतिक परिवर्तन में अदर सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है, इसे बोलते हैं फिजिकल चेंजेस।